गाइस गाइस आज हम लोग सॉल्व करेंगे 2019 का प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चन 2020 का प्रीवियस ईयर पेपर मैथ्स के सेकंड बुक का जिसका नाम है लीनियर प्रोग्रामिंग। तो उससे पहले मैं बता दूं आपको, लास्ट वीडियो में हमने 2022 का जो क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया था उसमें एक हमारा एक क्वेश्चन रह गया था जिसमें हमारी मिस्टेक हो रही थी, तो मैंने आपको वो बोला था कि नेक्स्ट वीडियो में बता दूँगी। तो पहले आप वो देख लेते हैं फिर नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे। देखो वो क्वेश्चन ये था, हमने इसका सॉल्यूशन किया था तो उसमें ना हमारी फॉर्म छूट गई थी, हमने उसका सॉल्यूशन ये किया था। तो इसमें हम पहले रो में से सबसे छोटी जो होती है, रो वाइज सब में से जो छोटी एलिमेंट होते हैं वो माइनस करते हैं जो छोटे डिजिट होती है, फिर कॉलम वाइज करते हैं। तो हमने यहाँ पे कॉलम वाइज जो थी ना वो नहीं की, इस वजह से सॉल्यूशन हमारा गलत आ रहा था। ये क्वेश्चन फिर मैंने आपको भी, ये वीडियो भी काफ़ी बड़ी हो जाती, तो इसमें मैंने पहले ही सही सॉल्यूशन करके रखा हुआ था। तो ये मैं आपको एक बार बता देती हूँ कैसे क्या था। देखो यहाँ पे ये तो क्वेश्चन यहाँ पे ऐसे ही उतारा हुआ है, पहले हमने इसमें से रो में यहाँ पे सबसे छोटा जो डिजिट है वो 3 है, 3 माइनस की पूरी रो में से, फिर यहाँ पे भी 3 है, 3 माइनस करके ये आ गया, यहाँ पे 6 है, 6 माइनस करके ये आया और यहाँ पे 3 माइनस करके ये आ गया। फिर हमने कॉलम वाइज किया तो कॉलम यहाँ पे कॉलम में 0 है उसमें तो चेंज होगा नहीं, बस इसमें नहीं है 0, सबसे छोटा 3 है तो 3 सब में से माइनस करके हमारी ये आ गई। फिर बाकी प्रोसेस पूरा वही है जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, पहले रो में देखेंगे कहाँ सिंगल 0 आ रही है, यहाँ पर आ रही है, इसको असाइनमेंट दे दिया, नेक्स्ट वाली काट दी, नेक्स्ट लाइन में देखेंगे कहाँ सिंगल 0 आ रही है, यहाँ आ रही थी और कहीं नहीं आती तो इसको असाइनमेंट दे दी, फिर नेक्स्ट में, फिर नेक्स्ट में। तो ये हमारा जो हमारा सेटअप बना था वो ये बना था। और फिर हमने यहाँ पर लिख दिया था कि भाई जो हमारा ए से पहले डी में दिया था और डी को हमने ए में दिया था, डी वाले कॉलम में, नेक्स्ट बी, ऐसे ही हमारा बी ओ सी पे चलता तो बी सी के भी यहाँ पे लिख दिया, कोस्ट निकालती यानी कि जेको ए से डी पे जा रहा है, तो इससे मैं देखेंगे यहाँ पे भी ए बी सी डी था और यहाँ पे भी ए बी सी डी चल रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ए से डी पे देखेंगे पहले क्या कोस्ट थी, ए से डी पे 3 है, फिर डी से ए पर 3 है, ऐसे लिख के हमने इनका सम निकाल दिया। ठीक है, सम निकाल के हमारे यहाँ पे 18 आया था। फिर देखो हम इसे मिनिमम कॉस्ट देखते हैं कि कौन सी आती है हमारी मिनिमम कॉस्ट, सॉरी वो वाली कॉस्ट ऐसे लिखते हैं, इसमें ये वाली कॉस्ट मैंने आपको बता दी, ये वाली कॉस्ट हम ऐसे देखते हैं। यहाँ पे देखो यहाँ पे असाइनमेंट दिया था हमने, तो जो हमारी क्वेश्चन वाली टेबल है उसमें हम यहाँ वाला देखेंगे 3 है, नेक्स्ट हमने यहाँ दिया था, यहाँ पे ऐसे लिखते जाएंगे जहाँ जहाँ असाइनमेंट दिया वहाँ की वैल्यू यहाँ से लिख के यहाँ पे लिख देंगे। फिर हमें इसे ऑप्टिमम वैल्यू देखनी होती है तो उसके लिए हम जहाँ पे भी पहले बना रहे हैं सबसे मिनिमम कॉस्ट आ रही है पैसे, पहले उसे इंट्रोड्यूस करते हैं, वो लिख लिया यहाँ पे, फिर उसी के अकॉर्डिंग हम मतलब ए बी को दिया था तो पहले ए से बी को असाइनमेंट यहाँ लिख लिया, बी से कहाँ जा रहा है हमारा असाइनमेंट सी पर, और सी से कहाँ जा रहा है मतलब सी तक ही आ रहा है लेकिन अगर हम वापस करें तो वो तो पहले आ जाएगा, लेकिन ए देखो ए किस ए असाइनमेंट हमने किसको दिया है, डी को, डी हाँ लिख लिया, और एंड में भी जब स्टार्टिंग में डी है तो एंड में भी हम डी ही लिख देंगे। फिर ऐसे करके हमने जहाँ भी सारे में वन आ रहा है मिनिमम कॉस्ट सारे मतलब वहाँ पे हम मिनिमम कॉस्ट उसके निकालते जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप पूरा प्रोसेस देखो मैंने यहाँ पे कर रखा है, आप देख लेना सबसे मिनिमम कॉस्ट हमारी यहाँ पे जो आई है वो 20 आई है। देखो यहाँ पे दो जगह हमारी 20 आई है, तो अगर देखो 20 हम डायरेक्ट इसमें यहाँ लिख सकते थे अगर हम 2 पर चेक कर रहे थे, अगर यहाँ पे जब हम 1 पे चेक कर रहे थे तो हमारी 18 कॉस्ट आई थी तो 19 आनी चाहिए थी, लेकिन बड़ी भी हो सकती है इसमें, लेकिन हमें 19 क्या पता 19 किसी और वन पे आ जाए इसलिए हमें सारे वन यहाँ पे चेक करने पड़े। तो जब वन पे तो हमारी जो लास्ट आ रही है वन पे हमारी 20 आ रही है तो इसका आंसर हमारा 20 हो जाएगा। एक क्वेश्चन और था यहाँ पे वो था पेनल्टी वाला, ये रहा 72 क्वेश्चन, इसमें था इनवोकल अप्रोक्सीमेशन मैथड द डिफरेंस ऑफ द स्मॉलेस्ट एंड द सेकेंड स्मॉलेस्ट कॉस्ट ईच रो एंड कॉलम इज कॉल्ड। तो ये क्वेश्चन हमारा सही है, उसे हम पेनल्टी ही बोलते हैं जब हमारी जो सबसे छोटी कॉस्ट होती है मतलब जो हम पेनल्टी निकालते हैं वो उसमें कहा गया कि कैसे निकालते हैं। तो पूरे मैट्रिक्स करिए सॉरी रो वाइज देखते हैं पहले हम फिर कॉलम वाइज, तो रो में जो सबसे छोटा एलिमेंट होता है फिर उससे जस्ट बड़ा जो होता है उनके डिफरेंस को ही हम पेनल्टी बोलते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो स्टार्ट करते हैं 2020 का पेपर, इसमें देखो ये हमें दे रखा है, इसमें इसका सॉल्यूशन निकालना है मतलब हमें यहाँ पे असाइनमेंट बुक में जैसे भी बताया था मैंने आपको बिल्कुल ऐसे ही दे रखी है, इसमें बस आपको इसमें कॉस्ट निकालनी है, पर ओनली कॉस्ट निकालनी है। तो देखें ना आपका कौन सा शेड्यूल इसमें से बनेगा, वो आई होप आप खुद से कर लेंगे क्योंकि अभी कराऊँगा तो काफ़ी वीडियो से मैं सॉल्यूशन नहीं करा रही हूँ क्योंकि सॉल्यूशन मैंने आपको जब समझाया था कहा था कि आप खुद कर लेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट सेकेंड ये आप खुद करेंगे,
थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, इफ द डिस्टेंस आर टाइम और कॉस्ट बिटवीन एवरी पेयर ऑफ सिटीज इन इंडिपेंडेंट और द डायरेक्शनल ऑफ जर्नी देन सेल्समैन रूटिंग प्रॉब्लम इज कॉल्ड। तो इस एट टू भी तो मैंने आपको बताया था, अगर इंडिपेंडेंट है यानी कि टाइम डिस्टेंस वगैरह पे ये अगर इन सब से इंडिपेंडेंट है तो फिर हमारी वो सिमेट्रिकल प्रॉब्लम होती है, और अगर डिपेंडेंट हो जाए तो वो एसिमेट्रिकल प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पे क्या कहा है, इंडिपेंडेंट, तो ये हमारी सिमेट्रिकल प्रॉब्लम हो जाएगी, यानी कि ए ऑप्शन इज करेक्ट, सॉरी सी ऑप्शन इज करेक्ट। फोर्थ, इन द ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम द एलिमेंट्स ऑफ द मेन डायगोनल ऑफ द क्रॉस मैट्रिक्स आर ऑलवेज। तो ये भी मैंने आपको बताया था, ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम जो होती है उसका जो डायगोनल होता है, मेन डायगोनल यानी कि जो ऐसा डायगोनल होता है वो उसमें कॉस्ट इनफाइनाइट होती है। देख लो चाहे ये रहा यहाँ पे लिखा भी, देखो ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम है ये, और इसका डायगोनल हमारे पास क्या है, इनफाइनाइट। नेक्स्ट, इसमें हमें मिनिमम कॉस्ट निकालनी है इस असाइनमेंट प्रॉब्लम की। तो सेम अभी जो मैंने आपको मेथड दिखाया था आप सिर्फ उसे निकालेंगे, इसके फर्स्ट टेबल में, फर्स्ट या सेकेंड टेबल में आंसर आ जाएगा, मतलब वो से सबसे छोटा और कॉलम में से सबसे छोटा निकालने के बाद जो टेबल बनेगी उसमें ये उसे नेक्स्ट टेबल में आ जाएगा। इतने बड़े क्वेश्चन, ज़्यादा बड़े क्वेश्चंस नहीं देते हैं, ठीक है। इन एन अनबैलेंस असाइनमेंट प्रॉब्लम मोर रोज और मोर सॉरी इन एन अनबैलेंस असाइनमेंट प्रॉब्लम मोर रोज और कॉलम्स आर एडेड इन द गिवन कॉस्ट मैट्रिक्स विद कॉस्ट। ये मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, अगर हमारी अनबैलेंस असाइनमेंट प्रॉब्लम है, भाई बैलेंस कौन सी होती है जिसमें रोज और कॉलम्स, नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स बराबर हो, लेकिन अनबैलेंस्ड वो होती है जिसमें ये इक्वल नहीं होते, यानी कि कोई ना कोई एक ज़्यादा कम होता है। तो कम ज़्यादा करने के लिए मैंने बताया था, एक हम अगर रो में कम है तो रो में एक रो और जोड़ देते हैं, और अगर कॉलम में कम है तो कॉलम में एक और जोड़ देते हैं, और उन्हें कॉस्ट देते हैं हम जीरो। तो यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, हंगेरियन मेथड इज यूज फॉर द सॉल्विंग द फॉलोइंग प्रॉब्लम। हंगेरियन मेथड इनमें से क्या सॉल्व करने के लिए, कौन से प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो हंगेरियन मेथड लगता है हमारा असाइनमेंट प्रॉब्लम सॉल्व करता है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये नाम जरूर याद कर लेना, नाम और जो ईयर्स दे रखे हैं ये जरूर याद कर लेना, एक क्वेश्चन 100% आएगा इनमें से। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट्थ, इन द असाइनमेंट प्रॉब्लम टू कवर ऑल द जीरोज वी ड्रॉ द मिनिमम नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन थ्रू। तो ये हमारे पास फॉर्मूला होता है जो कि हमने असाइनमेंट प्रॉब्लम में क्वेश्चन भी किए थे, उसमें भी देखा था, अगर हमारी उनका जो फॉर्मूला होता है मतलब मार्क करने का, तो वो होता है अनमार्क रो एंड मार्क कॉलम्स, यानी कि जो हम लाइन खींचते हैं वो अनमार्क रो पर और मार्क कॉलम पे खींचते हैं। तो मैं आपको दिखा दूँ, देखो जब हमने यहाँ पे बनाया था तो यहाँ पे ये दोनों रो अनमार्क थी, तो हमने इन पर लाइन खींची थी और यहाँ पे जो मार्क कॉलम था उन पे खींचा था, तो यही फॉर्मूला हमसे इसमें पूछा है। नेक्स्ट, द कॉस्ट मैट्रिक्स ऑफ अ बैलेंस असाइनमेंट प्रॉब्लम इज ऑलवेज। जो हमारी कॉस्ट मैट्रिक्स होती है असाइनमेंट प्रॉब्लम की, तो वो ऑलवेज हमेशा ऑलवेज स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर अनबैलेंस है तो वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगी, और बैलेंस है तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स। नेक्स्ट, एन असाइनमेंट प्रॉब्लम इज अ स्पेशल केस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम ऑफ ऑर्डर पी बाई क्यू। तो असाइनमेंट प्रॉब्लम जो हमारा स्पेशल केस है उसमें यही है कि वो पी इक्वल्स टू क्यू होता है, यानी कि उसमें रिक्वायरमेंट और एलिजिबिलिटी को दोनों ही इक्वल्स होती हैं, तो यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। बाय द एडिशन ऑफ अ न्यू वेरिएबल विद नॉन जीरो कॉस्ट टू द प्रॉब्लम इज ऑप्टिमल सॉल्यूशन। इसमें कहा है कि अगर हम एक न्यू वेरिएबल जोड़ें जिसकी जो वेरिएबल की मतलब उसकी जो वैल्यू रखनी है हमें वो नॉन जीरो रखनी है, यानी कि कोई भी फाइनाइट वैल्यू आएगी हमारी, तो जब हम फाइनाइट वैल्यू किसी भी में जोड़ते हैं तो उसकी ऑप्टिमैलिटी जो है वो तो चेंज ही हो जाएगी, भाई जो होता है पहले से वो तो चेंज ही हो जाता है अगर हम उसमें कुछ ऐड करें। और अगर मान लो यहाँ पे ज़ीरो दिया होता तो क्या होता, अनचेंज रिमेन सेम, यानी कि डी ऑप्शन हो जाता, लेकिन यहाँ पे क्या है, नॉन जीरो कॉस्ट दे रहे हैं, तो वो चेंज हो जाएगा, ये ऑप्शन यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द प्राइमल प्रॉब्लम हैज़ नो फाइनाइट ऑप्टिमल सॉल्यूशन देन इट्स ड्यूअल हैज़। अगर प्राइमल फॉर्म जो है हमारी उसका कोई भी फाइनाइट ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं है, तो ड्यूअल का भी हमारे पास मतलब ड्यूअल का भी कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, कोई फिजिबल सॉल्यूशन नहीं होगा, तो यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसमें याद रखना जो प्राइमल और ड्यूअल वाला हमारा लेसन है, इसमें हमें क्या होता है, हम बाकी सब चैप्टर में हमें ऑप्टिमैलिटी निकालनी होती है, लेकिन इसमें हमें ऑप्टिमैलिटी दी होती है, प्राइमल में हमारा जो होता है वो ऑप्टिमल होता है, हमें इसमें फिजिबिलिटी निकालनी होती है।
फिर उसमें कहा कि अगर उसको कोई ऑप्टिमल सॉल्यूशन ही नहीं है तो दूसरे वाला सिंपल बात है फिजिबिलिटी भी नहीं आएगी जब ऑप्टिमलिटी नहीं है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, इफ द प्राइमरी प्रॉब्लम हैज़ एन अनबाउंडेड ऑप्टिमल सॉल्यूशन देन ड्यूअल प्रॉब्लम हैज़, अगर प्राइमल का अनबाउंडेड ऑप्टिमल सॉल्यूशन है तो ड्यूअल का भी है तो अनबाउंडेड सॉल्यूशन होगा या उसका कोई भी सॉल्यूशन ही नहीं होगा, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, इफ द प्राइमल प्रॉब्लम इज अ मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम देन इट्स ड्यूअल विल बी प्रॉब्लम ऑफ, तो वो मैक्सिमाइजेशन की होती है, ये याद रखना, अगर हमारी प्राइमल फॉर्म मिनिमाइजेशन की है तो दूसरी यानी कि ड्यूअल हमारी मैक्सिमाइजेशन की हो जाएगी, और अगर प्राइमल मैक्सिमाइजेशन की है तो ड्यूअल मिनिमाइजेशन की हो जाएगी, यानी कि अपोजिट चलता है एक दूसरे के। नेक्स्ट, इफ द प्राइमल प्रॉब्लम हैज थ्री वेरिएबल देन इट्स ड्यूअल हैज, तो याद रखना जितने प्राइमल में वेरिएबल होते हैं वो ड्यूअल में जाके उतने कंस्ट्रेंट बन जाते हैं, ठीक है, यहाँ पे कह रखा है कि थ्री वेरिएबल्स हैं तो ड्यूअल में जाके कंस्ट्रेंट बन जाएंगे, यानी कि वेरिएबल कंस्ट्रेंट में चेंज हो जाते हैं और कंस्ट्रेंट वेरिएबल में, यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट है। अगर मान लो यहाँ पे दिया होता थ्री कंस्ट्रेंट हैं तो हम यहाँ पे इसका आंसर हो जाता थ्री वेरिएबल, ठीक है, याद रखना मतलब प्राइमल का अगर यहाँ पे वेरिएबल दे रखा है तो वो हमारा कंस्ट्रेंट में चेंज हो जाएगा और ये वाली वैल्यू सेम ही रहती है, यानी कि थ्री है तो थ्री, फोर है तो फोर, ये सेम ही रहता है। 16 क्वेश्चन, इफ एनी ऑफ द वेरिएबल इन द प्राइमल प्रॉब्लम इज अनरिस्ट्रिक्टेड इन साइन देन द कोरोस्पोंडिंग कंस्ट्रेंट हैज़, इसमें कहा गया है प्राइमल प्रॉब्लम जो है उसमें जो हमारा अनरिस्ट्रिक्टेड साइन का ये कंस्ट्रेंट है, सॉरी अनरिस्ट्रिक्टेड वेरिएबल है, अनरिस्ट्रिक्टेड वेरिएबल है तो जो ड्यूअल में जाके वो किस में चेंज हो जाएगा, तो वो ड्यूअल में हमारा इक्वालिटी में चेंज हो जाता है। देखो जैसे इसमें कहा कि हमारा सेकंड वेरिएबल अनरिस्ट्रिक्टेड है तो जो वेरिएबल होता है प्राइमल में वो कंस्ट्रेंट में जाके हमारे उसमें चेंज हो जाते हैं, इनइक्वालिटी में कंस्ट्रेंट में चेंज हो जाते हैं, वेरिएबल कंस्ट्रेंट में चेंज हो जाते हैं, तो इसमें कहा गया जो सेकंड ये मतलब कोई भी वेरिएबल हमारा जो अनरिस्ट्रिक्टेड दे रखा है तो वो ड्यूअल में जाकर कंस्ट्रेंट में चेंज होगा, तो कंस्ट्रेंट हमारा इक्वल्स टू साइन में चेंज हो जाता है। फिर हम उसमें जैसे ये बड़े और छोटे वाला साइन लगाते हैं लेकिन उसमें अनरिस्ट्रिक्टेड वाला जो है वो हमारा इक्वल टू साइन के साथ आता है। 17, इफ एक्स जीरो इज एन ऑप्टिमम सॉल्यूशन टू द प्राइमल प्रॉब्लम देन देयर एग्जिस्ट अ फिजिबल सॉल्यूशन डब्ल्यू नॉट द टू द ड्यूअल सच दैट सी एक्स नॉट इज इक्वल टू बी डैश डब्ल्यू वेयर बी डैश इज द ट्रांसपोज ऑफ बी देन स्टेटमेंट इज गुड, तो ये हमारी थ्योरम है बेसिक ड्यूअलिटी थ्योरम, बी ऑप्शन इज करेक्ट। 18, इफ जेड पी एंड जेड ई आर द ऑप्टिमल वैल्यूज ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन ऑफ द प्राइमल एंड ड्यूअल प्रॉब्लम देन, अगर जेड पी और जेड ई हमारे ऑब्जेक्टिव फंक्शन है प्राइमल और ड्यूअल के और ये ऑप्टिमल हैं तो हमारा इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, तो वो सी है। इसके लिए आप याद रखना अगर यहाँ पे ऑप्टिमल दे रखा हो कि ये दोनों ऑप्टिमल हैं तो यहाँ पे जेड पी और जेड ई बराबर हो जाते हैं, अगर यहाँ पे दिया होता फिजिबिलिटी यानी कि ये दोनों फिजिबल हैं तब हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाता कि प्राइमल का जो फंक्शन है फंक्शन की जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन की जो वैल्यू होती है वो कभी भी एक्सीड नहीं करेगी ड्यूअल की वैल्यूज को, वैल्यू को ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू को। 19, इफ एक्स इज एनी फिजिबल सॉल्यूशन ऑफ द प्राइमल प्रॉब्लम, देखो आप यहाँ पे देखो यहाँ पे फिजिबल बोल दिया है ऑप्शन ये दे रखे हैं तो डायरेक्ट लगा दो बी ऑप्शन इज करेक्ट है, यहाँ पे सॉरी बी नहीं होगा फिजिबल दे रखा है, यहाँ पे आएगा सी सॉरी ए, मैंने भी बताया अगर फिजिबल है तो पी कभी भी एक्सीड नहीं करेगा जेड पी कभी भी एक्सीड नहीं करेगा, ऑप्टिमल होगा तो बराबर हो जाएगी। 20, ए लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम इज सेड टू बी इन स्टैंडर्ड प्राइमल फॉर्म इफ फॉर अ मिनिमाइजेशन एलपीपी ऑल द कंस्ट्रेंट है, इसमें कहा गया है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को जो स्टैंडर्ड प्राइमल फॉर्म है उसमें फंक्शन हमें मिनिमाइजेशन का दे रखा है तो उसके जो कंस्ट्रेंट होंगे वो कौन से साइन के होंगे, तो ये मैंने आपको बताया था अगर हमारी प्रॉब्लम मिनिमाइजेशन की है तो जो हमारा राइट हैंड साइड वाला फंक्शन होता है वो छोटा होता है, छोटे का साइन होता है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे ये राइट हैंड से टकरा है लेकिन यहाँ पे छोटे वाला साइन है यहाँ पर, ठीक है, तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, और अगर मैक्सिमाइजेशन दिया होता तब हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता। 21 क्वेश्चन, S1 हमें दे रखा है और S2 दे रखा है, ये दोनों जो हमारे पास इक्वेशन है ये एक लाइन की है देन विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज एन कॉन्वेक्स सेट, तो इनमें से कौन सा कॉन्वेक्स सेट नहीं होगा, तो देखो जब हम इसे ड्रॉ करेंगे
तो एक लाइन हमारी ऐसे बनेगी, एक लाइन हमारी है ऐसे बनेगी, और इनका जो रीज़न जाएगा वो ऐसे जाएगा। इसमें अगर वैल्यू रख के देखें तो जो रीज़न जाएगा, क्योंकि ये सेटिस्फाइड नहीं करेंगी तो इनका रीज़न ऐसे जाएगा। तो इसमें क्या, अगर हम एस वन में से एस टू माइनस कर दें, एस वन हमारा ये वाला है, एस वन में से अगर एस टू माइनस कर देंगे तो ये कॉन्वेक्स होगा, तो बिल्कुल होगा, वो कॉन्वेक्स होगा। मान लो इस वाले में से हम एस टू माइनस करेंगे तो इतना पार्ट चला जाएगा इसका, लेकिन बाकी जो पार्ट बचेगा वो तो कॉन्वेक्स है, क्योंकि सॉरी ये तो आपको दिख नहीं जाता, जो इसका डायग्राम बनेगा वो ऐसा बनेगा, ये एक्सिस है, ये एक्सिस है, एक लाइन एक्स वाली यहाँ पे ड्रॉ हुई थी इसकी और वाई वाली यहाँ पे। अब ये ऐसे इनका जो रीजन बनेगा वो ये वाला बनेगा, ये इधर की साइड जाएगी वाली, इधर साइड जाएगी। इधर नहीं, इधर जाएगी, क्योंकि ये तो सेटिस्फाइड कर रहा है ना, इसे बनाते हैं, ये दोनों ही सेटिस्फाइड कर रहे हैं तो ये इधर जाएंगे। इसमें कहा गया है कि S1 में से S2 माइनस कर दें, यानी कि इस वाली रो में, इस वाली लाइन में से अगर इस वाले का पार्ट माइनस कर दें तो ये तब भी कॉन्वेक्स होगा। तो ये बात भी बिल्कुल सही है, क्योंकि जो पार्ट बचेगा हमारा, ये वाला पार्ट बचेगा, तो इस लाइन में कोई भी, इस पार्ट में कोई भी लाइन ड्रॉ करो तो उसी के अंदर आएगी, तो यानी कि ये भी कॉन्वेक्स होगा। ऐसे इन दोनों का कॉमन पार्ट लोगे तब भी, और S2 में से S1 माइनस करोगे, यानी कि इस वाले में से इस वाले को माइनस, इस वाले में से उसको माइनस करेंगे, तब भी वो कॉन्वेक्स सेट आएगा। लेकिन इसमें पूछा है कि नॉट अ कॉन्वेक्स सेट, कौन सा कॉन्वेक्स नहीं है, तो यहाँ तो सारे कॉन्वेक्स हैं, तो डी ऑप्शन यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, इन स्टैंडर्ड फॉर्म सेकंड ऑफ रिवाइज सिंपलेक्स मेथड वी नीड द फॉलोइंग वेरिएबल। स्टैंडर्ड फॉर्म, जो स्टैंडर्ड फॉर्म सेकंड होती है रिवाइज सिंपलेक्स मेथड में, उसमें हमें इनमें से किस चीज़ की नीड होती है, तो याद रखना स्टैंडर्ड फॉर्म सेकंड में हमें आर्टिफिशियल वेरिएबल की नीड होती है, पर फर्स्ट में हमें आर्टिफिशियल वेरिएबल की नीड नहीं होती, तो यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन करेक्ट है। द नंबर ऑफ एडिशनल कंस्टेंट इन स्टैंडर्ड फॉर्म सेकंड ऑफ रिवाइज सिंप्लेक्स मेथड इज, इसमें क्या, रिवाइज सिंप्लेक्स मेथड की जो स्टैंडर्ड फॉर्म सेकंड होती है उसमें हम कितने कंस्टेंट ऐड कर सकते हैं, तो उसमें हम दो अलग से कंस्टेंट ऐड करते हैं, और याद रखना है स्टैंडर्ड फॉर्म सेकंड में दो करते हैं, यानी कि ये टेक्निक आप याद रख लो, सेकंड है तो दो ही, दो यानी कि सेकंड ही आएगा, और फर्स्ट है यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म फर्स्ट में एक कंस्टेंट ऐड करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, इन स्टैंडर्ड फॉर्म फर्स्ट ऑफ रिवाइज सिंप्लेक्स मेथड ऑन आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज अवेलेबल आफ्टर यूजिंग। इसमें कहा है कि जो रिवाइज सिंप्लेक्स मेथड का स्टैंडर्ड फॉर्म फर्स्ट होती है, उसमें जो हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाते हैं वो कैसे बनाते हैं, तो उसमें सिर्फ आर्टिफिशियल वेरिएबल तो ऐड होता नहीं, तो बी तो हमारा, ए भी तो हमारे कट जाएंगे, तो उसमें सिर्फ स्लैक और सरप्लस वेरिएबल का यूज़ करके ही हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाते हैं, तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट है। और बी में क्या हो जाएगा, आर्टिफिशियल वेरिएबल, उसमें हम आर्टिफिशियल वेरिएबल से आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाते हैं। नेक्स्ट 25, इन स्टैंडर्ड फॉर्म सेकंड ऑफ रिवाइज सिंप्लेक्स मेथड द बेसिस मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाय। इसमें क्या है, रिवाइज सिंप्लेक्स मेथड में जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है उसका जो बेसिस मैट्रिक्स होता है उसे किससे डिनोट करते हैं, तो सेकंड वाले में हम बी टू से डिनोट करते हैं और फर्स्ट वाले में बी वन से, यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट है। 26, इन रिवाइज सिंप्लेक्स मेथड ऑफ द इनवर्स ऑफ द करंट डैश इज ऑब्टेंड ऑटोमेटिकली, तो इसका यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन करेक्ट है, बेसिस मैट्रिक्स। नेक्स्ट 27, विच ऑफ द फॉलोइंग वन और मोर वेरिएबल प्रेजेंट इन द बेसिस एट पॉजिटिव लेवल इन द फाइनल सिंप्लेक्स टेबल ऑफ अ एलपीपी टू हैव नो फिजिबल सॉल्यूशन। इसमें कहा है कि अगर हमारा जो हमारी फाइनल सिंप्लेक्स टेबल आ गई है, लेकिन वो तब भी नो फिजिबल सॉल्यूशन दे रही है पॉजिटिव लेवल पर, तो उसका रीज़न क्या होता है, तो वो होता है आर्टिफिशियल वेरिएबल। अगर हमारा लास्ट सिंप्लेक्स टेबल आ गई है पर उसमें अगर आर्टिफिशियल वेरिएबल अवेलेबल है तो वो कभी भी फिजिबल सॉल्यूशन नहीं देता, यानी कि नो फिजिबल सॉल्यूशन होगा तब, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 28, हाउ मेनी आर्टिफिशियल वेरिएबल आर रिक्वायर्ड सॉल्व टू द एलपीपी, इस एलपीपी को सॉल्व करने के लिए कितने आर्टिफिशियल वेरिएबल की नीड पड़ेगी, तो देखो यहाँ पे मैक्सिमम दे रखा है, तो सबसे पहले हम यहाँ साइन देखेंगे मैक्सिमम, तो यहाँ पे और यहाँ पे सही है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे माइनस है और माइनस होता नहीं, तो माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे इसकी इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, यहाँ पे ये वाला साइन आ जाएगा, तो यानी कि इन दोनों के लिए हमें नीड पड़ेगी आर्टिफिशियल वेरिएबल की, क्योंकि भाई देखो इसमें जो हम, इसमें तो हम स्लैक वेरिएबल जोड़ेंगे तो वो तो पॉजिटिव ही होता है, एक लाइन तो हमें यहाँ मिल ही जाएगी आइडेंटिटी मैट्रिक्स की, बाकी हमें दो लाइन चाहिए,
तो वो हमें इन दोनों में वेरिएबल डालने की डालकर तब मिलती है। तो यहाँ पे टू वेरिएबल हो जाएगी आर्टिफिशियल वेरिएबल। या इसके आप दूसरे ट्रिक आप याद भी रख सकते हैं ये कि मैक्सिमम दी है तो जितने कंस्टेंट यहाँ पे मैक्सिमम के नहीं होंगे, यानी कि यहाँ पे देखो एक मैक्सिमम का था बाकी तो चेंज हो जाएंगे, दो मैक्सिमम के नहीं थे यहाँ पे, तो हमें दो आर्टिफिशियल वेरिएबल की नीड है। अगर यहाँ पे तीनों ही उल्टे होते यानी कि मैक्सिमम कुछ का मिनिमम के साइन लगे होते तो तीन की जरूरत पड़ती। 29 द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स बाय सिंप्लेक्स मेथड इज द मैट्रिक्स। भाई इसमें कहा गया सिंप्लेक्स मेथड से इसकी इनवर्स निकालना है, तो ज़रूरी थोड़ी है हम उससे निकालें, हमें तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करना है, जो अभी तक करते आ रहे हैं 11th 12th में हमने किया उसी से निकाल लो। भाई उसका क्या है फॉर्मूला, ए इनवर्स निकालने का ए अपॉन में मॉडल्स ऑफ ए और ए का ट्रांसपोज है ना, ट्रांसपोज नहीं होता ए ए डैश होता है सॉरी, हाँ तो उसे भी ये सब निकालने की जरूरत नहीं। इसी तरह से देखो ए मॉडल्स ऑफ ए क्या होता है, यानी कि इनका डिटर्मिनेंट निकालो, 4 3 12 12 माइनस 10, 12 में से 10 गया 2 बचा 1/2 जो कि सब में आ रहा है। नेक्स्ट देखो बस इसमें इनके प्लेसेस चेंज कर दो, यानी कि जो ये वाले हैं इनके प्लेस आपस में चेंज कर दो, 4 की जगह 3 कर दो, 3 की जगह 4, और इन दोनों को माइनस लगा दो बस। तो यहाँ पे ऐसा किस्म हो रहा है, तो देखो यही है 3 की जगह 4 आ गया, 4 की जगह 3 और माइनस साइन, तो यहाँ पे सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। 30 इन बिगेम मैथड है, ये बिगेम मैथड, इन बिगेम मैथड फॉर सॉल्विंग ए एल पी पी वी टेक द कॉस्ट ऑफ सिलेक्ट सरप्लस एंड आर्टिफिशियल वेरिएबल्स इन द ऑब्जेक्टिव फंक्शन रेस्पेक्टिवली। इसमें कहा है बिगेम मैथड में अगर हम सिलेक्ट सरप्लस और आर्टिफिशियल वेरिएबल जोड़ें तो उनमें जो हम कॉस्ट फंक्शन की जो वो रखते हैं मतलब कोफिशेंट्स जो रखते हैं उनकी जो वैल्यूज रखते हैं वो क्या रखते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन में, तो जो हम सरप्लस और सिलेक्ट वेरिएबल जोड़ते हैं उनकी तो जीरो कॉस्ट देते हैं, और आर्टिफिशियल वेरिएबल की बिग एम मेथड में माइनस एम रखते हैं वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट 31 द फिजिबल रीजन ऑफ द फॉलोइंग एल पी पी इज मिनिमाइजेशन। तो देखो जब आप इसका ड्रो बनाओगे डायग्राम, जब आप बनाओगे इसका आप ग्राफिकल मेथड तो आपको सॉल्व करना आते होगा, फिर इनइक्वालिटीज से इक्वालिटी में चेंज करो और पॉइंट्स निकालो। ये मैंने आपको शायद कराया भी था लास्ट वीडियो में, एक्स वन की वैल्यू एक बार जीरो रख के, हाँ मैंने ये कराया, एक्स वन की वैल्यू रख के जीरो एक्स टू की निकालो, फिर एक्स टू से एक्स वन की निकालो, ऐसा करके जब हम ग्राफ बनाएंगे तो वहाँ पे जो इसके पॉइंट्स आएंगे ना वो 5 पॉइंट आएंगे, यानी कि एक्सट्रीम पॉइंट बोल दो या कॉर्नर पॉइंट बोल दो, वो हमारे 5 आएंगे, 5 है तो हमारा पेंटागन बन जाएगा। इसके 5 आएंगे तो यहाँ पे या तो आप डायरेक्ट याद कर लो या बना के लिख लेना, बनाना भी कोई इतना हार्ड नहीं है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे पेंटागन यानी कि 5 पॉइंट्स मिलते हैं, अगर 3 मिलते तो ट्रायंगल हो जाता, 4 मिलते तो क्वाड्रिलेटरल। नेक्स्ट 32 विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज फॉर द सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। इनमें से कौन सा मेथड है जो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का है, तो यहाँ पे तीनों ही हैं, ग्राफिकल एनालिटिक और सिंटैक्स, ये तीनों ही हमारे लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में यूज होते हैं, तो डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 33 वट इज़ द फर्स्ट मैथमेटिकल टेक्निक फॉर सॉल्विंग द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करने की जो फर्स्ट टेक्निक है वो है सिंप्लेक्स मेथड, ये ऑप्शन बी ऑप्शन यहाँ पे हमारा करेक्ट है। 34 द मेथड टू सॉल्व रिसॉल्व द डिजनरी डिजेनरेसी को रिजॉल्व करने का जो मेथड है वो कौन सा है, तो वो कॉर्नर पर्टर्बेशन मेथड है, ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, सी ऑप्शन यहाँ पे हमारा करेक्ट है। 35 ए नॉन डिजेनरेट सॉल्यूशन बिकम डिजेनरेट इन द नेक्स्ट इटरेशन इफ द आउटगोइंग वेक्टर इज। अगर हमारा सॉल्यूशन नॉन डिजेनरेट से डिजेनरेट से नॉन डिजेनरेट हो जा रहा है, उल्टा बोल दिया मैंने, अगर हमारा सॉल्यूशन नॉन डिजेनरेट है और नेक्स्ट में डिजेनरेट आ जाए तो उसका रीज़न क्या हो सकता है, तो उसका रीज़न ये होता है कि बी जो हमारा आउटगोइंग वेक्टर जो होता है अगर वो हमारे यूनिक नहीं मिलता, यानी कि दो बी की जो है दो वैल्यूज अगर सेम आ जाती हैं तो तब हमारा जो नेक्स्ट टेबल में सॉल्यूशन मिलता है वो हमारा डिजेनरेट हो जाता है नॉन डिजेनरेट से, तो बी ऑप्शन यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा, नॉट यूनिक यानी कि आउटगोइंग वेक्टर के यूनिक ना होने पर। 36 व्हेन द सक्सेसिव इटरेशन इन सिंप्लेक्स मेथड एंटर इन अ लूप विच रिप्रेजेंट द सेम सीक्वेंस ऑफ इटरेशन देन इट इज कॉल्ड। देखो मैंने आपको बताया था रिपीट से अगर वर्ड आ जाए तो आप डायरेक्ट इसमें साइक्लिंग लगा देना, बाकी इसमें ये कह रहा है अगर हमारा सिंप्लेक्स मेथड में अगर हमारा सॉल्यूशन नहीं आ रहा है और
टेबल जो है वो हमारी रिपीट होती जा रही है, तो उस मेथड को हम क्या कहेंगे? तो वो साइक्लिंग मेथड होता है हमारा, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। 37, व्हेन द सिंप्लेक्स मेथड इज अप्लाइड टू अ डिजनरेट बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन टू गेट अ न्यू बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन देन द वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। इसमें कहा गया सिंप्लेक्स मेथड में अगर हम सिंप्लेक्स मेथड अगर अप्लाइड करें डिजनरेट बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन से दूसरा बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन लाने के लिए, तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमारा कैसे होता है? तो वो चेंज्ड हो सकता है, यानी कि यहाँ पे सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, सॉरी चेंज्ड नहीं होगा, क्योंकि इसमें भाई फिजिबिलिटी तो चेंज हुई नहीं है, जो डिजनरेट भी है फिजिबल भी है, तो बस न्यू लाया गया है, बाकी वो तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन तो हमारा चेंज नहीं होगा, वो सेम ही रहता है। 38, द डिजनरेसी में अपियर इन अ LPP इन द फर्स्ट इटरेशन व्हेन सम कंपोनेंट ऑफ वी। अगर हमारी LPP में जो फर्स्ट इटरेशन है उसमें डिजनरेसी आ रही है, तो उसमें जो कंपोनेंट डी होगा उसकी वैल्यू क्या होती है? तो उसकी वैल्यू हमारी होती है 0। सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 39, इफ x1 x2 बिलोंग कर रहा है s से और s की वैल्यू में ये दे रखी है देन द सेट s, तो ये कॉन्वेक्स सेट है क्या, ये हमें बताना है। तो ये हमारा कॉन्वेक्स सेट होता है, डी ऑप्शन यहाँ पे हमारा करेक्ट है। भाई इसका मैंने एक दूसरे तरीके बताया था कि जो हमारा लैम्डा 1 और लैम्डा 2 होता है उनको प्लस करके बनाना चाहिए। अब देखो जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फॉर्मूला बन जाएगा लैम्डा x1 प्लस लैम्डा 1 x1 प्लस लैम्डा 2 x2, और दोनों की वैल्यू 1/2 है, 1/2 प्लस 1/2 करोगे तो 1 आ जाएगा, तो वो हमारा कॉन्वेक्स सेट है, डी ऑप्शन करेक्ट। 40 क्वेश्चन, द कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन ऑफ एन पॉइंट्स x1 x2 xn इज गिवन बाय एक्स एंड ऑन, ये देखिए हमें वैल्यू, तो इसमें पूछा गया है कि लैम्डा की जो वैल्यू होती है वो हमारी कहाँ से कहाँ तक होती है। तो मैंने आपको एक तो बताया था जो लैम्डा का सम होता है, अभी बताया था लैम्डा का जो सम होता है वो इक्विवेलेंट होना चाहिए 1 के, तो बी ऑप्शन तो करेक्ट हो जाएगा। और जो इसमें ए ऑप्शन है हमारा ये भी करेक्ट है, क्योंकि जो लैम्डा की वैल्यू होती है वो 0 से बड़ी और 1 से छोटी होती है हमेशा, तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन हमारे करेक्ट हो जाएंगे, तो यानी कि सी ऑप्शन इज करेक्ट है एंड बोथ। 41, इन वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड ऑफ अ ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम वी सिलेक्ट द रो और कॉलम फॉर विच पेनल्टी इज। हम जो वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड लगाते हैं तो हम उसमें रो और कॉलम चूज करते हैं कि किसमें कितने असाइनमेंट वैल्यू हमें देनी है, तो उसके लिए हम कौन सा सबसे पहले हम कौन सा रो या कॉलम सिलेक्ट करते हैं, तो वो हम जिसकी भी पेनल्टी लार्जेस्ट पेनल्टी होती है और कम सामान हमें जिसमें पहुँचाना होता है हम उसे वो चूज करते हैं, यानी कि सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा लार्जेस्ट पेनल्टी वाला। 42, ए लूप इज एन ऑर्डर सेट हैविंग एटलीस्ट, लूप बनाने के लिए हमें एटलीस्ट कितने सेल्स की जरूरत होती है, तो वो 4 सेल, हमें कम से कम 4 सेल तो जरूरी होते हैं तभी हम लूप बना सकते हैं। और अगर पूछे कि टर्म्स कितनी टर्म्स हैं, तो वो इवन टर्म्स में हमें चाहिए होता है, इवन टर्म्स होगी तभी वो हमारा लूप बन पाएगा। 43, इफ द ऑप्टिमेलिटी टेस्ट कैन बी अप्लाइड टू द फिजिबल सॉल्यूशन ऑफ अ ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम ऑफ ऑर्डर m/n इफ टोटल नंबर ऑफ एलोकेशन इन इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन आर। इसमें पूछा गया ऑप्टिमेलिटी टेस्ट के लिए हम फिजिबिलिटी देखने के लिए हम m/n की जो मैट्रिक्स होगी एलोकेशन है तो उसमें कितनी इंडिपेंडेंट पोजिशन होती हैं, तो उसके लिए मैंने आपको बताया था फॉर्मूला कहते हैं m+n-1, तो यहाँ पे सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। 44, ए बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन ऑफ अ ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम ऑफ ऑर्डर m/n इज सेट टू बी डिजनरेट इफ द नंबर ऑफ इंडिविजुअल एलोकेशन एट इंडिपेंडेंट पोजिशन आर। इसमें कहा है हमसे कि हमें ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम m/n की ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम दे रखी है, उसे हम डिजनरेट कहेंगे अगर जो हमारी इंडिविजुअल एलोकेशन है उनकी जो इंडिपेंडेंट पोजिशंस आ रही हैं वो m+n-1 से कम है। मतलब कि जैसे जब हम मैट्रिक्स जो हम बनाते हैं जो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम के जो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो जब हम उन्हें एलोकेशंस देते हैं तो वो हमारी इक्वल्स टू आनी चाहिए m+n-1 के, लेकिन अगर उससे कम हो जाती है हमारी वो, तो वो सॉल्यूशन हमारा डिजनरेट हो जाता है, तो यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पे हमारा करेक्ट है। 45, व्हेन वी अप्लाई ऑप्टिमेलिटी टेस्ट इन ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम देन वी फाइंड कॉन्स्टेंट यू आई एंड वी जे फॉर ऑल नॉन एम्प्टी सेल सेटिस्फाइड।
अगर हम ऑप्टिमेलिटी टेस्ट के लिए ट्रांसपोर्टेशन में अप्लाई करें, सॉरी क्या ट्रांसपोर्टेशन में ऑप्टिमेलिटी के लिए कौन क्या अप्लाई करें कि हमें जो कॉन्स्टेंट यू है, यू आई और वी जे है वो सेटिस्फाई करें नॉन एम्प्टी सेल्स को, तो उसके लिए जो हमारे पास फॉर्मूला होता है वो होता है यू आई प्लस वी जे। सी ऑप्शन यहाँ पे हमारा करेक्ट है। 46, देखो अगर आपको मान लो यहाँ पे स्टेटमेंट भी याद नहीं है तो आप इतना कभी मत घबरा कि भाई स्टेटमेंट हमें याद नहीं हो रहा। आप इसमें ना आप इनके फॉर्मूले एक बार याद कर लो। देखो यहाँ पे है, मान लो आपको ये फॉर्मूला याद है तो बाकी उसके जैसे तो कन्फ्यूजन वाला ऐसा कुछ दिया ही नहीं है उन्होंने। अगर आपको ये फॉर्मूला भी याद है ना तब भी इसे सही कराओगे, ठीक है। तो फॉर्मूले जो वैल्यूज हैं ये एक्यूरेट याद करना आप। 46, इफ इन द मॉडी मॉडिफाइड है, ये वैसे मोदी लिखा हुआ है लेकिन जो पूरा नाम है इसका मॉडिफाइड है, मॉडिफाइड मेथड फॉर सॉल्विंग द ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम इज डी आई जे फॉर ऑल एम्प्टी सेल आर पॉजिटिव अंडर टेस्ट विल बी। तो मोदी मेथड क्या ऐसा जैसे हमें ऑप्टिमल सबसे ज़्यादा ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिलता है, ठीक है। तो इससे हम इसमें कहा गया है सेल्स अगर पॉजिटिव सॉल्यूशन दे रहे हैं, सारे पॉजिटिव ही दे रहे हैं तो वो ऑप्टिमल होगा और यूनिक होगा। मान लो एक भी डी आई जे अगर जीरो भी आ जाता तो हमारा उसका एक और अल्टरनेटिव सॉल्यूशन हो जाता, तब हम इसमें सिर्फ लगाते ऑप्टिमल पे, यानी कि सी ऑप्शन तब हमारा करेक्ट हो जाता ऑप्टिमल बट अल्टरनेटिव सॉल्यूशन एक्सिस्ट एक भी अगर डी आई जे जीरो भी हो जाता तो। नेक्स्ट 47, द डिजेनरेसी इन ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम कैन अकर, अगर ट्रांसपोर्टेशन में डिजेनरेसी आ रही है, डिजेनरेसी कौन सी स्टेज में आ सकती है, फ्रॉम एनी इंटरमीडिएट स्टेज या इनिशियल स्टेज। तो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट है, वो कोई सी भी स्टेज पर आ जा सकती है डिजेनरेसी। नेक्स्ट 48 क्वेश्चन, इफ C1, C2 एंड C3 आर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ऑफ अ ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम बाय नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड, लोएस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड एंड वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड रेस्पेक्टिवली देन। यहाँ पर हमसे कहा है C1, C2, C3 जो है ये ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम की, अगर हम इसमें अप्लाई करें नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल, सेकेंड नंबर पे लोएस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड से निकाले इनकी कॉस्ट और थर्ड पे वोगल अप्रोक्सीमेशन की, तो इनकी जो कॉस्ट आएगी वो कौन से, तो उसकी सिक्वेंस क्या होगी, तो उसकी सिक्वेंस यहाँ पे ये होगी, यानी कि जो हमारी नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल से कॉस्ट मिलती है वो सबसे ज़्यादा होती है, उससे कम जो मिलती है वो हमें लोएस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड से मिलती है, और सबसे कम यानी कि जो सबसे ज़्यादा ऑप्टिमल मिलती है वो हमें वोगल अप्रोक्सीमेशन से मिलती है। तो यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पर देखो अगर यहाँ पे मान लो हमें नीचे ये इक्वल्स टू का भी साइन दिया होता तब भी हमारा सही हो जाता, ठीक है, कि बराबर भी हो सकती है। 49, इफ MNN रेस्पेक्टिवली डिनोट्स द टोटल नंबर ऑफ अवेलेबिलिटी एंड टोटल नंबर ऑफ रिक्वायरमेंट्स इन अ ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम देन द नेसेसरी एंड सफिशियंट कंडीशन फॉर द एक्सिस्टेंस ऑफ अ फिजिबल सॉल्यूशन ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम इज। इसने नेसेसरी एंड सफिशियंट कंडीशन पूछी है अवेलेबिलिटी और रिक्वायरमेंट्स के लिए, तो वो एम बराबर एन होनी चाहिए। डी ऑप्शन यहाँ पे हमारा करेक्ट है। 50, इन वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड द डिफरेंस ऑफ द स्मॉलेस्ट एंड द सेकेंड स्मॉलेस्ट कॉस्ट, तो अभी बताता है जो हम निकालते हैं फर्स्ट सॉरी स्मॉलेस्ट और सेकेंड स्मॉलेस्ट कॉस्ट से वो हम पेनल्टी निकालते हैं, तो यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन करेक्ट है। 51, इफ ए इज अ कोफिशिएंट मैट्रिक्स इन द मैट्रिक्स फॉर्म ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम देन द कोफिशिएंट मैट्रिक्स इन मैट्रिक्स ऑफ द ड्यूअल प्रॉब्लम इज। प्राइमल से अगर हम ड्यूअल की हम कोफिशिएंट मैट्रिक्स निकालते हैं तो उसका ए से ट्रांसपोज करके आती है, यानी कि ए के जो कंस्टेंट हैं उनसे हम मैट्रिक्स बनाएंगे, फिर जो अगर हम उसका ट्रांसपोज करके जो मैट्रिक्स बनेगी वही हमारी उससे कंस्टेंट बन जाते हैं, यानी कि ए का ट्रांसपोज ए की पावर टी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 52, इफ एनी ऑफ द कंस्टेंट इन द प्राइमल इज अ परफेक्ट इक्वालिटी देन द कॉरस्पॉन्डिंग ड्यूअल वेरिएबल इज अनरेस्ट्रिक्टेड साइन। सी ऑप्शन करेक्ट। 53, द रिक्वायरमेंट फैक्टर ऑफ प्राइमल प्रॉब्लम विल बी ड्यूअल इज प्राइमल का जो रिक्वायरमेंट फैक्टर है वो प्राइस फैक्टर में चेंज होता है ड्यूअल के, और अगर यहाँ पे प्राइस फैक्टर दिया होता तो यहाँ पे रिक्वायरमेंट हो जाता। एक तरह से याद रखूँ मैं कि प्राइमल और ड्यूअल में चीज़ें अपोजिट रहती हैं, ठीक है। 54, इफ़ अ प्राइमल प्रॉब्लम हैज़ 5 कंस्ट्रेंट देन इट्स ड्यूअल प्रॉब्लम हैव 5 वेरिएबल्स। सी ऑप्शन इज करेक्ट। 55, ब्रांच एंड बाउंड टेक्निक मे बी यूज फॉर द सॉल्यूशन। ब्रांच एंड बाउंड टेक्निक किसके लिए यूज की जाती है, मिक्स इंटीजर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम के लिए और इंटीजर के लिए, तो ये दोनों के लिए यूज होती है, हमारा सी ऑप्शन करेक्ट है। 56, इज सिमेट्रिक प्रोसीजर फॉर सॉल्विंग एन LPP वाज फर्स्ट डेवलप्ड बाय आरी गोमोरी इज। जो हमारी सिमेट्रिक प्रोसीजर
LPP को सॉल्व करने का जो हमारे पास जो मेथड है, आरी गोमोरी ने हमें इसे डेवलप किया था, IPP को, सॉरी यहाँ पे IPP है, IPP को आरी गोमोरी ने बनाया था। तो वो कौन से सन में बनाते हैं, कौन से ईयर में बनाया था, तो वो 1958 में बनाया था। मुझे यहाँ पे क्लियर नहीं दिख रहा, 1958 ही ऑप्शन इज करेक्ट। 57, देखो अभी आप देख चुके होंगे नाम और ईयर आ चुका है, नाम भी इसमें आ चुका है और ईयर भी। 57, तो ये दोनों चीज़ याद रख कर लेना, नाम भी और ईयर भी। 57, फॉर सॉल्विंग द IPP विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड वाज फर्स्ट डेवलप बाय AH लैंग एंड AH डोए। जो फर्स्ट मेथड डेवलप बाय, इनमें से AH लैंग और AH डोए ने कौन सा वो बनाया था, यानी कि कौन सा मेथड दिया था, तो वो ब्रांच एंड बाउंड टेक्निक इन्होंने दी थी। याद रखना, इसमें ब्रांच एंड बाउंड टेक्निक जो दी थी वो AH लैंग एंड AH डोए ने दी थी, लेकिन जो IPP का जो फर्स्ट डेवलपर थे वो थे हमारे आरी गोमोरी, ठीक है। और ये टेक्निक स्टार्ट हुई थी, कब बनी थी, 1958 में, और सिंप्लेक्स मेथड टेक्निक बनी थी हमारी 1947 में, वर्ल्ड वॉर सेकंड के टाइम, ठीक है, सॉरी वर्ल्ड वॉर सेकंड के टाइम पे बनी थी वो, 1947 में बनी थी, ठीक है। 58, ए लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम इज सेड टू बी एन इंटीजर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम इफ डैश ऑफ द वेरिएबल इन ऑप्टिमम सॉल्यूशन आर रिस्ट्रिक्टेड टू हैव नॉन नेगेटिव इंटीजर वैल्यूज। इसमें कहा है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को हम इंटीजर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम कब कहेंगे, यानी कि IPP कब कहेंगे। तो अगर हम एक भी वेरिएबल रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं कि वो इंटीजर ही होगा, तो वो हमारा LPP से IPP में चेंज हो जाता है, यानी कि लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम से इंटीजर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट, क्योंकि इंटीजर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम क्या कहती है हमारी, कि जो हमारा जो सॉल्यूशन आते हैं, यानी कि x1 x2 जो बेसिस की जो वैल्यू आती हैं वेरिएबल्स की, वो इंटीजर ही होनी चाहिए। अगर उसमें लगा देते कि सारे जो वेरिएबल्स हैं वो इंटीजर ही होने चाहिए, तो वो हमारी होल इंटीजर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम हो जाती है। अगर उसमें कुछ वेरिएबल्स पर रिस्ट्रिक्शन लगा दें कि हाँ एक या दो ही होने चाहिए, या पर्टिकुलर दे दें कि x3 वाला होना चाहिए, x1 वाला होना चाहिए, तो वो हमारी हो जाती है मिक्स इंटीजर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। तो यहाँ पे कहा है अगर एक भी हमारा रिस्ट्रिक्शन लग जाती है इंटीजर की, तो वो हमारी LPP से IPP में चेंज हो जाती है। 59, हाउ मैनी टाइप ऑफ इंटीजर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, तो ये मैंने अभी बताया दो टाइप की होती है, मिक्सड और ऑल, वो भी ऑप्शन करें। 60, हाउ मैनी टाइप ऑफ ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम, तो ये भी हमारे टू टाइप की होती है, सिमेट्रिकल और असिमेट्रिकल। 61, इन हाउ मैनी वेज एन वर्कर कैन कम्प्लीट एन वर्क इफ वन वर्क इज गिवन टू ईच वर्कर, जिसका फैक्टोरियल वन है। अगर हमारे वर्कर की बात होगी तो जितने हमें वर्क है या जितने हमारे पास वर्कर हैं उतने का ही फैक्टोरियल ले लेंगे, और अगर यहाँ पे रूटिंग प्रॉब्लम हो जाती, टाइपिंग सेल्समैन हो जाती, तो एक कम करके तब फैक्टोरियल लेते हैं उसका। 62, यानी कि तब हम एन माइनस वन फैक्टोरियल लेते हैं, लेकिन यहाँ पे अभी वर्कर्स की बात हो रही है तो एन लेंगे। 62, इफ अ सेल्समैन वेंट्स टू, देखो नेक्स्ट यही आ गया, इफ अ सेल्समैन वेंट्स टू विजिट 5 cities देन टोटल नंबर ऑफ हिज पॉसिबल रूट्स, तो इसका आंसर होगा हमारा फैक्टोरियल 4, यानी कि 5 - 1 का फैक्टोरियल, यानी कि 4 का फैक्टोरियल, तो ये हमारा तब 24 आंसर आ जाएगा, ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। आप इसको जब फैक्टोरियल 4 को सॉल्व करेंगे तो। 63, इन गोल प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम गोल्स आर असाइंड प्रायोरिटीज हैज सच दैट, गोल प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में गोल्स को असाइन करने की जो प्रायोरिटी होती है वो किसे देते हैं, हायर टू, वो पहले वो हायर वालों को, हायर गोल्स वालों को देते हैं प्रायोरिटी, और फिर लोअर वालों को, तो ये ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 64, इन गोल प्रोग्रामिंग द टाइप ऑफ कंस्ट्रेंट आर, जो गोल प्रोग्रामिंग होती है उनमें कंस्ट्रेंट कैसे होते हैं, तो उसमें कंस्ट्रेंट होता है लीनियर, सी ऑप्शन इज करेक्ट। 65, क्वेश्चन डेविएशन वेरिएबल इन गोल प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम सेटिस्फाइड फॉलोइंग, डेविएशनल वेरिएबल जो होते हैं गोल प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में वो इनमें से किसको सेटिस्फाई करते हैं, तो डेविएशनल हमारे डिपॉजिटिव DI पॉजिटिव मल्टीप्लाई DI नेगेटिव इक्वल्स टू 0 के होते हैं, सी ऑप्शन यहाँ पे हमारा करेक्ट है। 66, इन गोल प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम द डेविएशनल वेरिएबल DI पॉजिटिव रिप्रेजेंट, जो DI पॉजिटिव है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये करता है और अचीवमेंट को, ये ऑप्शन यहाँ पे हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट, 67,
एलयू एंड इग्नेजियो रोट अ फर्स्ट बुक ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम। जो एलयू एंड इग्नेजियो जो है राइटर, ये किसका किसके राइटर हैं, तो वो हैं गोल प्रोग्रामिंग के। सी ऑप्शन इज करेक्ट। तो देखो यहाँ पे इसमें हमें ये जो प्रॉब्लम दे रखी है ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम की दे रखी है, तो आप इसे खुद सॉल्व करेंगे। मैं बता दूँ, देखो एक चीज़ हो रही है, क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है, अच्छा होगा अगर आप इसको याद ही कर लो, ठीक है। इसमें अगर लोएस्ट कॉस्ट पूछ रहा है तो 83 है, लोएस्ट कॉस्ट से पूछ रहा है यहाँ पे तो 83 आएगा। अगर मान लो ये वोगल अप्रोक्सीमेशन से पूछता तो यहाँ पे 80 का आंसर आ जाता, और अगर पूछता नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल से तो इसका 102 हो जाता। तो अच्छा है कि आप इसको याद ही कर लो, क्योंकि ये कई बार पूछा गया है ये क्वेश्चन। 69, द ऑप्टिमल सॉल्यूशन ऑफ अ ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम कैन बी फाउंड बाय द फॉलोइंग मेथड। ट्रांसपोर्टेशन में सबसे ज़्यादा ऑप्टिमल सॉल्यूशन किससे मिलता है, मोदी मेथड से। डी ऑप्शन इज करेक्ट। 70, स्टेप स्टोन मेथड इज यूजिंग फॉर फाइंडिंग द ऑप्टिमल सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम। तो ये भी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का होता है, बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, स्टेप स्टोन मेथड भी, ये भी ट्रांसपोर्टेशन का होता है। 71, इन सिंप्लेक्स मेथड टू ईच इटरेशन। सिंप्लेक्स मेथड में जो इटरेशन होता है वो मूव्स टूवर्ड ऑप्टिमैलिटी, मूव्स टूवर्ड्स फिजिबिलिटी, मूव टूवर्ड्स ऑप्टिमैलिटी, मेंटेन फिजिबिलिटी। यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट है, मैंने लास्ट में भी आपको बताया था, ऑप्टिमैलिटी हमें फिजिबिलिटी को मेंटेन करते हुए ऑप्टिमैलिटी लानी होती है। 72, द जनरल मेथड फॉर सॉल्विंग LPP इज। LPP को सॉल्व करने का जो जनरल मेथड है वो क्या है, तो वह है सिंप्लेक्स मेथड। 73, इन बिकेम मेथड M स्टैंड फॉर M की वैल्यू, M जो होता है उसमें होती है वेरी लार्ज पॉजिटिव प्राइस, M होता है वेरी लार्ज पॉजिटिव प्राइस, लेकिन जो हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन में उसकी जो वैल्यू रखते हैं वो माइनस M रखते हैं, लेकिन जो M की वैल्यू जो होती है वो होती है वेरी लार्ज पॉजिटिव प्राइस, यानी कि सबसे बड़ा होता है पॉजिटिव होता है। 74, इन टू फेज मेथड फॉर सॉल्विंग अ LPP इन फेज फर्स्ट द न्यू ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज टेकन एज द मैक्सिमम जेड। तो इसमें पूछा है फेज वन में जो मैक्सिमम जेड है उसमें, सॉरी फेज वन जो है उसमें अगर ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो होगा तो वो हमारा क्या होता है, तो जैसे उसे हमने मतलब मैक्सिमम है और उसे जेड डैश रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे, तो वो जो फॉर्मूला होता है उसका होता है माइनस सम ऑफ आर्टिफिशियल वेरिएबल, मतलब जैसे जेड करके यहाँ पे हमें दे रखा है 7x1 मान लो 6x2 ये दे रखा है, तो जो नेक्स्ट ये हमारा जब कंस्टेंट में चेंज हो जाता है तो ये सारी वैल्यूज ना इधर ही आ जाती है, यानी कि ये जेड माइनस एक्स वन प्लस का 6x2 बराबर 0 ये हो जाता है, तो यानी कि जेड माइनस सम ऑफ आर्टिफिशियल वेरिएबल, ये ऑप्शन यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। 75, जॉर्ज डैंटिंग डेवलप्ड द सिंप्लेक्स मेथड इन फॉलोइंग ईयर। तो ये मैंने आपको बताया था सिंप्लेक्स मेथड डेवलप हुआ था 1947 में, उसे किसने बनाया था, जॉर्ज डैंटिंग ने, आप याद रखना जॉर्ज डैंटिंग ने इसको बनाया था। 76, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड वॉज डेवलप बाय, इनमें से एक कांडा से, कांडास में कौन सा मेथड यूज बनाया था, बिग एम मेथड। इसको याद करने का भी तरीका, देखो यहाँ पे M कैपिटल M आ रहा है और यहाँ पे कैपिटल A, और ऐसा कोई भी नाम नहीं है भाई एक कांडास जैसे, जैसे A दे दिया हुआ ऐसा कोई और नाम नहीं है, तो आप याद रखना M है तो यहाँ पे A हुआ। 77, द वैल्यूज ऑफ ऑल डेल्टा जे फॉर डैश वेरिएबल इन ईच टेबल ऑफ सिंप्लेक्स मेथड इज ऑलवेज 0। तो जो हमारे बेसिक वेरिएबल्स होते हैं उनकी ईच टेबल यानी कि सभी सिंप्लेक्स टेबल में उनकी वैल्यू 0 होती है, तो ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। 78, विच ऑफ द फॉलोइंग वेरिएबल्स आर एलिमिनेटेड इन फेज वन ऑफ टू फेज मेथड। फेज वन से फेज टू में जाने के लिए हम कौन सा वेरिएबल यहाँ पे एलिमिनेट करते हैं, तो वो हमारा आर्टिफिशियल वेरिएबल होता है, डी ऑप्शन इज करेक्ट। 79, इफ इन द फाइनल सिंप्लेक्स टेबल ऑफ LPP डेल्टा जे बराबर है सी जे माइनस सी बी वाई जे, यानी कि सी जे माइनस यहाँ पे है सी जे माइनस जेड जेड जे फॉर ऑल, ये छोटा है 0 से, फॉर ऑल बेसिक नॉन बेसिक वेरिएबल द सॉल्यूशन ऑफ LPP। अगर यहाँ पे डेल्टा जे यानी कि डेल्टा जे अगर ये सारी वैल्यू छोटी हैं 0 से यानी कि नेगेटिव हैं सारी, तो जो LPP होगा वो हमारा यूनिक और ऑप्टिमल हमें मिलता है, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। 80, तो 80 में देखो यहाँ पे डेल्टा सी के का बस फॉर्मूला पूछा है हमें, लेकिन यहाँ पे ऑप्टिमैलिटी पूछा है कि ऑप्टिमैलिटी के लिए जो डेल्टा सी के का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, तो यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन करेक्ट है। लेकिन एक चीज़ देखना, इन्होंने यहाँ पे एक चीज़ ऊपर करी है आगे, मतलब इसमें नहीं है आगे जो और पेपर से उनमें लिखा था, ये जरूरी नहीं है यहाँ पे जेड के माइनस सी के दे, अगर इसने पलट दी ये वैल्यू यानी कि सी के माइनस जेड के अगर कर देता है ना ये,
तो हमारा साइन ई भी पलट जाएगा, तब ये आएगा हमारा आंसर, ठीक है। ये आप याद रखना, जेड आएगा पहले तो पॉजिटिव, सॉरी ये वैल्यू नेगेटिव आएगी, और अगर सी आ गया पहले तो ये वैल्यू हमारी नेगेटिव आती है, तो ये फिर उल्टा हो गया, ये पॉजिटिव आएगी फिर। 81 क्वेश्चन, इफ एस इक्वल्स टू एक्स, एस इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस ए बराबर है एप्सिलॉन के, देन एस रिप्रेजेंट, तब ये एस किसे रिप्रेजेंट करता है, स्क्वायर को ई क्यूब के, सर्कल को ए क्यूब के, या सर्कल को ई स्क्वायर के। तो यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन करेक्ट है, ये स्क्वायर हमारा ई स्क्वायर के को, और सर्कल करता है स्क्वायर को, स्क्वायर ई क्यूब, क्योंकि स्क्वायर हमारा स्क्वायर में नहीं होता, सॉरी सर्कल हमारा क्यूब में तो होता नहीं है, डी ऑप्शन तो कट जाएगा, यानी कि यहाँ पे डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। मान लो यहाँ पे हमें ए एंड सी ऑप्शन ना दिया होता और डी नॉन ऑफ द अबव दे दिया होता, तो आप तब इस पर स्पेयर पे लगा कर रहेंगे, ठीक है। 82 ए सेट एस इज सेट टू बी क्लोज सेट इफ इट कॉन्टेन्स ऑल इट्स, हम सेट एस को क्लोज सेट कब कहेंगे, हम क्लोज सेट तब कहते हैं अगर उसके अंदर उसके सारे बाउंड्री पॉइंट्स आ रहे होते हैं तो, और क्लोज होगा ओपन सेट कौन सा होता है, अगर वो उसमें इंटीरियर पॉइंट्स आ रहे हैं तो वो ओपन हो जाएगा, क्लोज अगर बाउंड्री सेट बाउंड्री पॉइंट्स आ रहे हैं तो वो क्लोज होता है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। 83 एवरी एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ अ कॉन्वेक्स सेट इज ऑलवेज, जो हमारे एक्सट्रीम पॉइंट होते हैं कॉन्वेक्स सेट के, जो एक्सट्रीम पॉइंट होते हैं वो हमेशा बाउंड्री पॉइंट होते हैं, लेकिन इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है, बाउंड्री पॉइंट हमेशा एक्सट्रीम पॉइंट नहीं होते हैं, ठीक है। यहाँ पे यानी कि ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है, बाउंड्री पॉइंट। नेक्स्ट इनमें से पूछा है कि इनमें से हमारा कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन कौन सा नहीं है, तो यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे ये हमारा कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन नहीं होता। आप इन सब के जो पैराबोला दे रखे हैं आप इनके डायग्राम बनाकर देखना, तो ये हमारा एक मिनट एक मिनट, तो सारे सही हैं ना, हाँ इसमें पूछा कौन सा कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन है, इक्वल्स टू लिखा है, तो कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन हमारा ये वाला हो जाएगा, बी ऑप्शन इज करेक्ट। ऐसा कोई भी क्वेश्चन देखे ना तो आप उसमें याद रखना हमें साइन ये वाला, जिसमें साइन ये वाला होगा वही करेक्ट हो जाएगा। 85 क्वेश्चन, इनमें से कौन सा कॉन्वेक्स सेट नहीं है, तो देखो ये वाला है, इसमें अगर हम यहाँ पे ऐसे लाइन खींचेंगे तो वो इस डायग्राम के अंदर तो आएगी नहीं, बाकी कहीं भी लाइन खींच लो इन सारे डायग्राम में वो उसी के अंदर आएगी, तो यहाँ पे सी ऑप्शन हमारा करेक्ट, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ऐसा हमारा कॉन्वेक्स सेट नहीं है। 86 इफ एस वन एस टू एस थ्री एंड एस फोर रिप्रेजेंट द सेट ऑफ होल पॉइंट्स लाई इन फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट्स ऑफ द टू डायमेंशनल स्पेस, देन द फॉलोइंग सेट इज नॉट अ कॉन्वेक्स सेट, तो हमारा यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट है भाई। देखो इसमें कहा गया है कि चार हमें क्वाड्रेंट्स हैं, इसमें अगर हम ये इनमें से कौन सा कॉन्वेक्स सेट नहीं होगा, तो देखो इसमें अगर हम यूनियन लें तीन सेट का, तीन क्वाड्रेंट्स का अगर हम यूनियन लेंगे, वो यहाँ से जो लाइन खींचेंगे वो इसमें तो आएंगी नहीं, तो यानी कि ये इसका कॉन्वेक्स सेट होगा नहीं, पर अगर हम चारों का यूनियन ले लें तो कहीं भी लाइन खींचो वो इसी के अंदर आनी है। दो का लेंगे, मान लो इन दो का ले लिया तो वो तो इसी के अंदर आ रही है, तो यहाँ पे जो कॉन्वेक्स सेट नहीं होगा वो तीन का नहीं होगा, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 87 इफ एस वन एंड एस टू बी टू नॉन एम्प्टी डिसजॉइंट कॉन्वेक्स सेट, एस वन और एस टू टू नॉन एम्प्टी डिसजॉइंट सेट है, तब ये हमें क्वेश्चन रखे तो एस यहाँ पे हमारा कॉन्वेक्स सेट होगा, ये याद रखना, अगर यहाँ पे डिसजॉइंट दे दे तो ये हमारे कॉन्वेक्स सेट बन जाते हैं। 88 द कॉन्वेक्स सर्कल ऑफ द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑन द बाउंड्री ऑफ एन एलिप्स इज, तो जो कॉन्वेक्स सर्कल पूछा है एलिप्स के बाउंड्री पॉइंट्स का, तो वो पूरा होल एलिप्स हो जाता है, ए ऑप्शन इज करेक्ट। 89 क्वेश्चन, इनमें से पूछा गया इनमें से कौन सा कॉन्वेक्स सेट नहीं है, ये हमें तो इक्वेशन देखिए एक सर्कल की एक एलिप्स की है, तो इनमें से कौन सा कॉन्वेक्स सेट नहीं होगा, तो यहाँ पे हमारे यानी कि यूनियन ले दोनों का तब भी कॉन्वेक्स सेट आ जाएगा, एस वन एस टू अलग लेंगे तब भी आ जाएगा, तो यहाँ पे डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, नॉन ऑफ दिस। भाई देखो जब हम इसका बनाएंगे तो एक तो ये ऐसा कुछ ड्राएगा हमारा, ए बड़ा है तो ऐसे आएगा, तो आप इसका यूनियन लो तो सारा पूरा पार्ट आ जाएगा, भाई कहीं भी लाइन खींच लो पूरा इसमें ही आना है, अलग अलग भी अपने आप में कॉन्वेक्स सेट होते हैं, तो यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी कि इनमें से ऐसा कोई भी नहीं है कि जो कॉन्वेक्स सेट ना हो। 90 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, एन एक्सट्रीम पॉइंट इज अ बाउंड्री पॉइंट ऑफ द सेट, मैंने आपको बताया था एक्सट्रीम पॉइंट हमेशा बाउंड्री पॉइंट होता है, तो ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। एन एक्सट्रीम पॉइंट कैन नॉट बी बिटवीन एनी टू पॉइंट ऑफ द सेट,
जो एक्सट्रीम पॉइंट होता है वो किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच में नहीं आता है। तो ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू है, तो सॉरी फॉल्स है, ये हमारा स्टेटमेंट फॉल्स है कि ऑप्शन यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। भाई दो पॉइंट्स के बीच तो हो सकता है ना एक्सट्रीम पॉइंट, जरूरी होना है अगर सर्कल ले लो, सर्कल के बीच अगर हम बनाएंगे दो पॉइंट्स के बीच तो यहाँ तो कहीं भी हो सकता है और एक्सट्रीम पॉइंट, यहाँ पे सिर्फ ए ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। 91 लीनियर प्रोग्रामिंग इज अ ब्रांच ऑफ, लीनियर प्रोग्रामिंग किसकी ब्रांच है, ऑपरेशन रिसर्च की। ये ऑप्शन इंपॉर्टेंट है, आप क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है याद रखना, ये ऑपरेशन रिसर्च की ब्रांच है। 92 ए बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, इनमें से कौन सा बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन है। तो सबसे पहली बात तो देखो यहाँ पे दो कंस्टेंट दे रखे, तीन वेरिएबल दे रखे हैं, दो कंस्टेंट दे रखे हैं, तो तीन माइनस दो करेंगे तो एक आएगा, तो यानी कि सिर्फ एक वेरिएबल हमारा जीरो होना चाहिए। तो आप डायरेक्ट उससे भी देख सकते हो, पर इन्होंने सॉल्यूशन कहा है तो भाई और भी हो सकते हैं। तो आप उसके लिए क्या करना, भाई थ्री को इन्होंने जीरो कराया तो इसमें देख लो तो डिटरमिनेंट जीरो नहीं होना चाहिए, तो अगर हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारा जीरो नहीं आएगा। माइनस का फोर हो जाएगा तो माइनस एट आ गया, तो जीरो तो हुआ नहीं हमारा। और दूसरी बात फिजिबिलिटी की बात की है तो माइनस नहीं होना चाहिए, तो माइनस है भी नहीं गया। तो बस इसमें से हाँ सा आप इसकी वैल्यूज़ निकाल लेना है, इन दोनों को सॉल्व करना, मतलब यहाँ पे जीरो वैल्यू रखना है इन दोनों की, जब वैल्यू सॉल्व करोगे एक्स वन एक्स टू की तो टू और वन आ जाएगी, डी ऑप्शन यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। 93 द नंबर ऑफ एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ द फिजिबल रीजन ऑफ द फॉलोइंग एलपीपी, इसका रीजन पूछा है, एक मिनट, एक्सट्रीम पॉइंट पूछेगी किसी के एक्सट्रीम पॉइंट कितने आएंगे, तो इसके लिए आप सॉल्व भी कर सकते हैं। वरना अभी देखो मैंने थोड़ा टाइम पहले बताया ये पेपर अभी रिपीट हुआ है, ये क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले आया था, यही क्वेश्चन था, वो पेंटागन होता है, क्वाड्रिलेटरल होता है, ये ट्रायंगल, तो उसमें हमारे पांच पॉइंट्स आएंगे जब आप सॉल्व करोगे, तो यानी कि यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, पांच पॉइंट यानी कि पेंटागन। 94 क्वेश्चन, आप सोचोगे ये वाला क्वेश्चन ही क्यों रिपीट हुआ, क्योंकि देखो यहाँ पे देखो अगर यहाँ पे हम ये जो वैल्यूज पुट करेंगे इसकी वजह से हमारा रिपीट होता है कई बार, ठीक है। 94 इन एलपीपी ऑफ एनी वन ऑफ बीआईजे इज जीरो देन इनिशियल बीएफएस इज, इसमें कहा है कि अगर हमारा एक भी बीआईजे जीरो हो जाए तो एलपीपी जो होगी वो हमारी डीजनरेट हो जाएगी। यानी कि देखो जैसे इसमें भी बताया था एक को जीरो रख के बाकी दो की वैल्यूज निकालते हैं, पर उनमें से अगर किसी एक की भी एक और वेरिएबल की अगर वैल्यू जीरो हो जाती है तो वो हमारा जो सोल्यूशन होगा वो डीजनरेट हो जाएगा। और अभी देखो नहीं आ रहे तो ये जो है अभी हमारा सॉल्यूशन ये नॉन डीजनरेट है, जीरो आएगी तो डीजनरेट हो जाएगा, अगर जीरो नहीं आएगी तो नॉन डीजनरेट, यानी कि यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट है। 95 द इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी हमें दे रखी है कैन बी कन्वर्टेड इनटू इक्वालिटी बाय यूजिंग, इस इनइक्वालिटी को अगर हम इक्वालिटी में चेंज करें तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे ये छोटे का साइन रखा है, मतलब ये वाली डिजिट छोटी है, इसमें एक सरप्लस जोड़ दो तो ये इक्वालिटी में चेंज हो जाएगा, बी ऑप्शन यहाँ पे हमारा करेक्ट है। 96 ए सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ वेरिएबल एक्स वन एक्स टू एक्स एन विच सेटिस्फाई ऑल द कंस्टेंट इज कॉल्ड, अगर ये सेटिस्फाई करिए जो वेरिएबल है अगर कंस्टेंट को सेटिस्फाई कर रहे हैं तो हम उनसे क्या बोलेंगे, तो वो होता है हमारा सॉल्यूशन ऑफ एलपीपी, ये ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन आंसर्स मत देखना क्योंकि यहाँ पे गलत दिए हुए हैं। 97 एन ऑप्टिमम सॉल्यूशन ऑफ अ एलपीपी इफ इट एग्जिस्ट अकर एट वन ऑफ द एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ द कॉन्वेक्स पॉलीगन ऑफ द सेट ऑफ ऑल फिजिबल सॉल्यूशन देन इट इज द स्टेटमेंट ऑफ द फॉलोइंग थ्योरम, ये हमसे पूछ गए ये स्टेटमेंट कौन से थ्योरम का है, तो यह फंडामेंटल एक्सट्रीम पॉइंट थ्योरम है। ए बेसिक फिजिबल सोल्यूशन ऑफ एलपीपी इज सेट टू बी नॉन डिजनरेट, बेसिक सोल्यूशन तो मैंने अभी बताया था हम नॉन डिजनरेट कब कहेंगे, जब उसका एक भी बेसिक वेरिएबल जीरो नहीं आएगा। ये नॉन बेसिक क्या होता है, जो एम माइनस एन यानी कि कंस्टेंट सॉरी वेरिएबल कंस्टेंट माइनस करे तो जो हमारी वैल्यू आती है यानी कि एक आया तो एक जो है वो हमारा नॉन बेसिक हो जाएगा जिसकी वैल्यू हम जीरो रखते हैं, और जो बाकी बच जाते हैं वो वेरिएबल्स हमारे बेसिक वेरिएबल होते हैं, ठीक है। तो अगर उन बेसिक वेरिएबल्स में से एक की भी वैल्यू जीरो हो जाती है तो वो डीजनरेट हो जाते हैं, और अगर नहीं आएगी उनमें से यानी कि उस थर्ड एक जिसे हमने माना है जीरो उसे छोड़ के बाकी दो की नहीं आती है तो नॉन डीजनरेट हो जाएगा सोल्यूशन। 99 में भी देखो हमें ग्राफिकल मेथड सॉल्व करना पड़ेगा, आप इसका ड्रॉ बनाना, इसके एक्सट्रीम पॉइंट्स देखना कहाँ आ रहे हैं, फिर उन एक्सट्रीम पॉइंट्स जो आएंगे उनकी वैल्यूज इस जेड में रख कर देखना,
और हमें बताना है कि जेड की मिनिमम वैल्यू उनमें से किस पॉइंट पे आ रही है। तो आप जब जेड वैल्यू पे तो आपको पता चल जाएगा किसकी मिनिमम आएगी, तो वैसे वो मिनिमम इस पर आती है बी। बाकी इसका दूसरा तरीका जो है देखने का, आप ये देख लो ये पॉइंट्स इन इनइक्वालिटीज़ को सेटिस्फाइड कर रहे हैं या नहीं। मान लो 6 और 12 है, मतलब आप ग्राफिकल छोड़ो, खैर जो यहाँ पे x1 x2 की वैल्यू है इनमें x1 की वैल्यू 15 को 0 रखो तो ये सेटिस्फाइड करेगा, 0 आ जाएगा। ये अगर ये वैल्यू फिर मतलब तीनों कंस्ट्रेंट में रख के देखना, फिर इन मतलब इन चारों पॉइंट्स की बारी बारी इन चारों में रखना, अगर ये चारों ही सेटिस्फाइड कर जाते हैं, मतलब कोई भी एक जो सेटिस्फाइड नहीं करेगा उसे कट कर देना, पर अगर चारों ही सेटिस्फाइड कर जाते हैं तब आप देखना जेड की किस पॉइंट पर मिनिमम वैल्यू आ रही है। जिस पॉइंट पर भी मिनिमम आएगी वही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 100 लास्ट क्वेश्चन, एटलीस्ट हाउ मैनी वेरिएबल विल बी 0 इन अ बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन ऑफ अ सिस्टम ऑफ इक्वेशन एन वेरिएबल वेयर एन बड़ा एन। भाई हम इसमें पूछा है कि एन वेरिएबल हम इनमें से कितने वेरिएबल को 0 कर सकते हैं बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन लाने के लिए, जो बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन जो टेस्ट करने का है फिजिबल, तो उसमें से हम कितने वेरिएबल्स को 0 कर सकते हैं। तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है n-1 m। अगर देखो इसमें सॉल्यूशन पूछे थे कि कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं तो हम फॉर्मूला लगाते हैं ये, लेकिन इसमें पूछा है वेरिएबल कितने 0 हो सकते हैं, तो यहाँ पे डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा n-m। तो ये था हमारा 2020 का क्वेश्चन पेपर। तो ऑल द बेस्ट गाइस, आज आपका आप लोगों का पेपर है, अच्छे से करना, ज़्यादा टेंशन मत लेना और ऑप्शन क्वेश्चन पेपर पूरा पढ़ना, कोई भी क्वेश्चन छोड़ कर मत आना क्योंकि आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो कोई भी एक भी क्वेश्चन मत छोड़ के आना, ऑप्शंस अच्छे से पढ़ना। मान लो आपको स्टेटमेंट नहीं समझ में आना तो छोड़ के मत चल देना आगे, उसे उसके ऑप्शंस समझना, क्या पता आपको ऑप्शंस पता हो। ऑप्शन कई बार होता है कि हमें स्टेटमेंट नहीं पता होता लेकिन ऑप्शन से हमारा क्लियर हो जाता है, तो ऑप्शंस उसके पढ़ के फिर आगे बढ़ना। तो ऑल द बेस्ट गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट कर देना, मैं रिप्लाई जरूर करूँगी। ओके, तो बाय गाइज़।